अब आगे बढ़ते हैं। क्लास फाइव। क्लास फाइव में वह नाउन्स होते हैं जिन्हें सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में प्रयोग किया जाता है। शीप, अपरेटस, योक, सीरीज, डियर, मींस, स्पीसीज, स्वाइन। बैंक पीओ एग्जाम्स में इन नाउन से संबंधित सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसे सवालों में आपको इन नाउन्स का गलत प्रयोग दिया होगा और आपको इस गलती को पहचानना होगा। चलिए इन नाउन्स के प्रयोग के कुछ उदाहरण देखते हैं। द शीप्स वर टेकन टू द फार्म। यहाँ गलती वर्ड शीप्स से जुड़ी है। ऐसा इसलिए कि वर्ड शीप्स इंग्लिश लैंग्वेज में उपस्थित ही नहीं है। वर्ड शीप काउंट कॉमन नाउन है। हम इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरह कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही स्थितियों में हमें वर्ड शीप का ही प्रयोग करना होगा। द शीप वर टेकन टू द फार्म। यहां शीप का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में हुआ है। वन शीप वॉज टेकन टू द फार्म। यहां शीप का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में हुआ है। थ्री शीप्स वर टेकन टू द फार्म। यहां शीप्स का प्रयोग गलत हुआ है और इसीलिए यह सेंटेंस व्याकरण की दृष्टि से गलत है। सही सेंटेंस होगा थ्री शीप वर टेकन टू द फार्म। अब आगे बढ़ते हैं। क्लास सिक्स। इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जो मात्रा आदि की जानकारी देते हैं। इन नाउन्स के पहले अंक का प्रयोग होता है, लेकिन यह नंबर यदि 1 से अधिक हो फिर भी इन नाउन्स को किसी भी प्रकार से प्लूरल फॉर्म में नहीं बनाया जाता है। ऐसे नाउन्स हैं फुट, डजन, मिलियन, हंड्रेड। एक सवाल देखिए जो कॉर्पोरेशन बैंक पीओ एग्जाम में आ चुका है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट्स पार्ट 1, एट लीस्ट 4 मिलियन टन्स ऑफ शुगर पार्ट 2 विल हैव टू बी इंपोर्टेड पार्ट 3 दिस ईयर बिकॉज ऑफ पुअर मॉनसून पार्ट 4 नो एरर पार्ट 5। कॉर्पोरेशन बैंक पीओ एग्जाम 2010। क्या आप यहां वर्ड मिलियंस देख पा रहे हैं? यह एक ऐसा नाउन है जिसके पहले अंक 4 का प्रयोग हुआ है, पर हमें इस वर्ड के आगे लेटर एस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। करेक्ट सेंटेंस होगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट्स एट लीस्ट 4 मिलियन टन्स ऑफ शुगर विल हैव टू बी इंपोर्टेड दिस ईयर बिकॉज ऑफ पुअर मॉनसून। ध्यान दीजिए कि यहां नाउन प्रयोग हुआ है मिलियन। अगला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के कजन्स यानी चचेरे, ममेरे आदि भाई बहन होंगे। जब भी आप इंग्लिश में वर्ड कजन का प्रयोग करें तब कभी भी इस वर्ड के आगे वर्ड सिस्टर या ब्रदर नहीं प्रयोग होंगे। यानी द वर्ड कजन इज नॉट फॉलोड बाय द वर्ड्स ब्रदर और सिस्टर। जैसे इस उदाहरण को देखिए। माय कजन सिस्टर हैज रिटर्न्ड फ्रॉम यूरोप। यह सेंटेंस व्याकरण की दृष्टि से गलत है और माय कजन हैज रिटर्न्ड फ्रॉम यूरोप व्याकरण की दृष्टि से सही है।